डिस्टेंस, आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे और दोनों पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस जो फाइंड आउट करनी होगी, वो आपको कैसे करनी है वो इस वीडियो में क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। बाबू जब आपको दो पॉइंट दे दी जाए, जैसे मान लो अपने पास ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, बेटा इसके जो पॉइंट रखे एक्स वन वाई वन और इसके जो पॉइंट है एक्स टू और वाई टू, अगर हमें ए और बी के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी हो, डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी हो, सर एक्स टू माइनस एक्स वन ये इसका फॉर्मूला होता है, वाई टू माइनस वाई वन। अब क्या होता है कि कई बुक में क्या दे रखा है, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, बाबू दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों से जो अपना आंसर है बिल्कुल आराम से और बिल्कुल सिंपल एक सेम जैसा ही आ जाएगा। आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स वन, ये दे रखा है वाई वन, ये दे रखा है एक्स टू, ये दे रखा है वाई टू। आपको क्या करना है, ए और बी की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको करना क्या होगा, सर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब देखो सर फोर में से अगर थ्री गए, फोर में से थ्री गए तो थ्री, फोर में से वन गया तो थ्री और थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन। चलो जी सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्री माइनस वन, थ्री में से वन गया तो कितना टू और टू का जो स्क्वायर हो गया फोर, नेगेटिव आए तो भी आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव। सर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा, थर्टीन, कितना आएगा थर्टीन, ये अपने पास क्या गया आंसर। दो बिंदु दे रखे, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, करना कुछ नहीं है सर, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ए और बी की अगर बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है तो ये तो गया अंडर रूट। बेटा एक्स टू की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, माइनस का वन, एक्स वन की दे रखी है नेगेटिव, एक तो फोरवे वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया अपना स्क्वायर। सर y2 माइनस y1, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। चलो जी इसको सोल्व करते हैं, बेटा 5 में से 1 गया तो कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना गया 16। सर 7 में से 3 गया 4, नेगेटिव से पॉजिटिव तो स्क्वायर है 16। अब ये बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इनटू 16, क्योंकि दो पर है 2 इनटू 16, 2 बाहर नहीं आ सकता, 16 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4, 2 नहीं आएगा तो ये हो गया अंडर रूट 2। बात क्लियर, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सर, x1 y1 x2 y2। चलो जी a और यहाँ पे आ गया b आ गया, करना क्या है सर, यहाँ पे तो गया अपने पास y2, सॉरी x2 की जो वैल्यू नेगेटिव हो गई और ये हो गई x1 की वैल्यू हो गई a, ये लो इसका स्क्वायर। सर यहाँ पे कितना है, सर y2 है, y2 की वैल्यू नेगेटिव माइनस इसकी वैल्यू कितनी बेटा नेगेटिव और नेगेटिव का स्क्वायर। अच्छा जी सर नेगेटिव नेगेटिव ऐड जाएंगे, 2a 2a का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, यहाँ पे 2b 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर, दोनों में कॉमन कितना है सर, कॉमन हो गया 4, तो ब्रैकेट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बेटा 4 अगर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी बचा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर नहीं आ सकते, दोनों के बीच प्लस लगा हुआ है, ये बोलेगा मैं जाऊंगा ये नाराज हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो ये नाराज हो जाएगा, इसलिए क्या करना है आपको ऐसा वैसा दोनों को छोड़ देना है। मैंने तीन क्वेश्चन सोल्व करवाए, डिस्टेंस टू पॉइंट के बीच अगर आपको डिस्टेंस अगर पूछे इसका फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन y2 माइनस y1 दोनों का स्क्वायर बीच में पॉजिटिव यानी प्लस का साइन। तीन एग्जांपल करवाए, किसी भी सवाल में अगर तकलीफ है तो बाबू कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।